नहीं चाहिए किसानों की। और हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़े हैं, बीकेयू के नेता हैं, किसान नेता हैं। राकेश टिकैत साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। हाँ, धन्यवाद भाई जी। राकेश जी, क्या कहेंगे आप कि अखिलेश यादव ने किसानों के लिए बड़ी सारी बातें कही कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला एक बार फिर उठाया, और उन्होंने आज एक अन्न प्रतिज्ञा ली। एक किसान नेता के तौर पर इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जो अन्न प्रतिज्ञा अखिलेश यादव ने ली, क्या कहना है आपका उसमें? भाई, ये अन्न प्रतिज्ञा भी उन्होंने बीजेपी वालों से सीखी जी। जो बंगाल में है वे भी एक मुट्ठी दान मांग रहे थे, बंगाल में भी घर घर जाके जी। तो भाई, पॉलिटिकल पार्टी वाले कम से कम अन्न की बात तो करने लगे। ये तो ठीक बात है कि अन्न की, किसान की पॉलिटिकल लोग बात करने लगे, नहीं तो पॉलिटिकल एजेंडे में एक किसान था ही नहीं पहले कभी। ये बंगाल में एक मुट्ठी धान मांगते थे तो हमने कहा भाई, एक मुट्ठी धान के बदले आप इसकी MSP भी मांग लो। तो अखिलेश यादव ने भी मन से ही सिक्की होगी, इनके कोई आदमी तोड़े इन्होंने बीजेपी के, उन्होंने इनको सारे मंत्र बताए जी। और उसके तहत इन्होंने अन्न की बात करी, कुछ ना कुछ तो बात भाई घर का ही आदमी बतावे जी। तो कोई इसकी पार्टी में आए होंगे वंग के लोग जी, उसने ही बताई बात। खैर, ये बात आपने ठीक कही कि राकेश टिकैत साहब, कि चले किसान का जिक्र और किसान की फिक्र कम से कम तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। बड़ी चीज है जी, बड़ी बात है। राकेश टिकैत साहब, लखीमपुर खीरी में आपने भी अभी ऐलान किया है कि आप भी वहां पर धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, क्या है आपका ऐलान और क्या है ये रणनीति? नहीं नहीं, हमारा ये है कि हमारे तो 15 तारीख में जो संयुक्त मोर्चे की बैठक दिल्ली में थी, तो वहाँ पे बातचीत हुई और वहाँ पे पूरे देश भर के किसान थे, क्योंकि लखीमपुर की चर्चा सब जगह होती है। उन्होंने कहा कि एक टीम लखीमपुर भेजो, उन परिवारों से भी मिलेंगे जो परिवार पीड़ित है, जिन परिवारों के बच्चे जेल में गए हैं, और जो समझौता हुआ था उनका पूरा ये था कि भाई समझौता आपने किया है, मतलब हमने किया, और उत्तर प्रदेश सरकार से समझौता हुआ, और हमारी ये जिम्मेदारी लगाई कि आप जाओगे वहाँ पे, कुछ और लोग आपके जाएंगे, और आप पूरी 3-4 दिन में इसकी एक रिपोर्ट बना के संयुक्त मोर्चे को दोगे। तो हम वहाँ पे 21-22 तारीख में जाएंगे, 2-3 दिन वहाँ पे रहेंगे, परिवारों से भी मिलेंगे और वहाँ के जो अधिकारी होंगे उनसे भी मिलेंगे, और जो उस टाइम पे मौजूद अधिकारी थे जिनके बीच में समझौता हुआ है हम उनसे भी मिलेंगे, और उसके बाद में पूरी एक रिपोर्ट हम संयुक्त मोर्चे को देंगे कि भाई वहाँ के हालात ये हैं। धरने की जहाँ तक बात है, क्या रहेगा वो तो चुनाव में नहीं लगता कि चुनाव में कोई धरने की उसकी कोई बातचीत है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा, तो किसी को फायदा नुकसान हमारा पहुँचाने का कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो पीड़ित पक्ष हैं उनका पक्ष रखने का हमारा पूर्ण रूप से काम है, वो हम करेंगे, और उसमें अधिकारी ही ज्यादा जानकारी वहां पर देगा, उन सब लोगों से हम मिलेंगे जी। बिल्कुल ठीक है साहब, ये आपने बड़ी बात कही, इस बात को आपने साफ भी कर दिया, क्योंकि एक भ्रम पैदा हो रहा था कि शायद आप लोग वहां धरना देने वाले, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने कहा कि आप रिपोर्ट बनाएंगे, कमेटी जाएगी आपकी जो पीड़ित परिवारों से वहां पर मिलेगी, अधिकारियों से मिलेंगी, और क्या कुछ समझौते पर कितने आगे बढ़े हैं उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। राकेश टिकैत साहब, ये बताइए कि अब एक बार फिर से जी जी आपके चक्कर लगाना शुरू कर दिया है हर पार्टी ने। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है सिसौली में बीजेपी वाले भी जाते हैं, सपा वाले भी जाते हैं, RLD वाले भी जाते हैं, कांग्रेस वाले भी जाते हैं, तो परिक्रमा की शुरुआत तो कर दी है कि पता नहीं कब कि आपका मन कब पसीज जाए किसी के ऊपर। वो नहीं नहीं, वो तो घर है भाई, सबका घर है वो जी, और जो खाप पंचायत का घर होता है टिकैत साहब सबके हैं, वो एक जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष से अलग भी वे खाप के चौधरी हैं, और खाप किसी का समर्थन नहीं करती, किसी के साथ नहीं खड़ी होती, जो अन्याय होता है उसके साथ खड़ी होती है। तो वहाँ पर सब लोग जाते हैं, सबका जाने का अधिकार है जी। और संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा, हमारे कुछ वादे हैं जो दिल्ली भारत सरकार ने वादे हुए थे, हमने 31 तारीख को उसका प्रोग्राम पूरे देश भर में बनाया कि हम 31 तारीख को एक प्रोग्राम करेंगे सब जगह, और अपना भारत सरकार को ज्ञापन देंगे। एक तो MSP की जो कमेटी बनाने की बात करी थी, वो अभी कमेटी नहीं बनी,
उस कमेटी में देखेंगे कि बातचीत अभी होती है या नहीं होती, ये सवाल था। एक जो केसेस दर्ज है पूरे देश भर में, वो चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो या किसी और सरकार के वे हो जिनकी सरकारें हैं, भारत सरकार ने कहा था कि हम पूरे देश भर से मुकदमे जो पर्चे हैं वो वापसी लेंगे, वो भी अभी वापसी नहीं हुआ जी। हरियाणा में जरूर कुछ काम चला है इस पे, पर्चे केसेस वापसी पे, तो ये हमारे बड़े सवाल अभी सरकारों से हैं, हम उस संबंध में भी बातचीत करेंगे जी। और बिल्कुल, और जो आपका रुख है कि बिल्कुल किसी पार्टी का समर्थन नहीं, किसी का विरोध नहीं, लेकिन हाँ किसानों के मुद्दे पर जो बात करेगा उसका समर्थन तो करेंगे। हालांकि किसानों के मुद्दे पर तो अब सभी लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि साहब हम किसानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो नहीं ठीक, देखो आंदोलन से एक फायदा तो जरूर हुआ जी कि सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान का नाम लेने लगी, ये बड़ा फायदा हुआ है। हमने इनको कहा भाई अपने घोषणा पत्र में आप किसानों को डाल लो, ये अपने घोषणा पत्र में क्या क्या डालते हैं, किसी की भी सरकार बने तो कम से कम हम घोषणा पत्र तो लेकर सामने रख दें भाई। आपने ये कहा था आंदोलन देश में मजबूत चाहिए, सरकार किसी की भी हो अगर आंदोलन ठीक है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी यहाँ पे खरीद नहीं हो रही, हम उत्तर प्रदेश संगम पर अभी है यहाँ पर प्रयागराज में जी। तो यहाँ पे धान की खरीद नहीं हो रही, बड़ी समस्या है। हमने बार बार यहाँ की सरकार को कहा और ये अब नहीं, दो महीने पहले भी इनको कहा है कि आप बिजली के रेट कम करो। हरियाणा में 15 रुपये आसपास रेट है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 175 रुपये आसपास है। इसी के तहत अखिलेश यादव ने ये घोषणा कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे किसान को, 300 यूनिट फ्री देंगे। तो बीजेपी की तो सरकार थी भाई, आप कर देते इनको जी। तो कम से कम ये बिजली के इनके इशू सब पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में आने शुरू हुए, एक बहस में आए और आने वाले टाइम पे इन पे काम भी होगा। जब ये चर्चाओं में आ जाएंगे तो काम होगा, लेकिन काम जब होगा जब संगठन मजबूत रहेगा। संगठन पे ढिलाई नहीं हम बरतेंगे जी। हमारी आज भी चर्चा यहाँ पे हुई वो पूर्ण रूप से संगठन पे हुई, संगम पे जी। बिल्कुल राकेश टिकैत साहब, तो बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि आंदोलन का एक असर तो ये है कि किसान केंद्र में जरूर आ गया है, चर्चा के केंद्र में, हर पार्टियां उसकी फिक्र करना शुरू कर दिया और उस फिक्र का जिक्र भी तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं। टिकैत साहब एक आखिरी सवाल जो हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं, क्या माहौल क्या लग रहा है आपको यूपी में, क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखो माहौल तो ये है भाई, जनता तो इनसे नाराज है और सत्ता ये छोड़ना नहीं चाहते जी। और देश में जो मजबूत लीडर हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए और वे हारने नहीं चाहिए, मतलब विपक्ष भी मजबूत चाहिए जी। योगी जी अपने मूल स्थान पर चले गए, अपने जहां से उद्गम स्थल था वहां पर चले गए, वहां से जीतने चाहिए वे, क्योंकि विपक्ष में भी मजबूत लोग चाहिए जी। बिल्कुल, आपका राकेश टिकैत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और इशारों में आपने बड़ी बातें कही और बिल्कुल किसानों के लिए आप लगातार आपने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। तो बहरहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बात तो चुभेगी मैं आप